एवरी वन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी लेकर। देखते हैं, आज न्यू मून भी है तो न्यू मून का कैसा इफेक्ट पड़ रहा है डीएम और डीएफ की एनर्जी पर। सो सबसे पहले हम देखेंगे डीएफ की एनर्जी, डिवाइन फैमिनिन एनर्जी में जो भी व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी पे किस तरीके का इफेक्ट नज़र आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें न्यू मून का इफेक्ट डिवाइन फैमिनिन्स के ऊपर किस तरीके का है। एंजल्स, डिवाइन फैमिनिन्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द लवर्स विद द टेम्परेंस। ओके, तो हमारे पास डीएफ की एनर्जी निकल कर आ गई है। डिवाइन फैमिनिन एनर्जी में अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी अभी किस तरीके की है। सबसे पहली एनर्जी जो यहाँ पर आई है, वी हैव द स्टार। तो बहुत सारी डीएफ ऐसी एनर्जी में हैं जो होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं। कुछ डीएफ्स को उनके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस रिसीव भी हो चुके हैं। कुछ डीएफ अभी भी वेट कर रहे हैं सही टाइम का, परफेक्ट टाइम का। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि न्यू मून की एनर्जी का कुछ इफेक्ट आपके ऊपर इस तरह का भी पड़ेगा कि या तो आपको फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, या फिर इमोशनली आप विड्रॉ करने की एनर्जी में हैं। इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं और इमोशंस बहुत हाई होने की वजह से, फ्लक्चुएट होने की वजह से आप में से कई डीएफ को ऐसा फील हो सकता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरी लाइफ में सब कुछ बुरा ही है, मेरी लाइफ में कभी कोई भी सिचुएशन प्रॉपर वे में नहीं चल सकती। कई डीएफ की हेल्थ इश्यूज भी नज़र आ रही हैं इस जो न्यू मून की एनर्जी है इसके आसपास। हो सकता है आपकी हेल्थ पर किसी तरह का इफ़ेक्ट हो। यहाँ पर काफ़ी डीएफ ऐसी है जो ऑलरेडी यूनाइटेड हैं, यहाँ पर यूनियन की वाइब्रेशन है। तो हो सकता है आप ऑलरेडी अपने डीएम के साथ परमानेंट हारमोनियस यूनियन में हैं। रनर चेजर अब ख़त्म हो चुका है, आप दोनों जान चुके हैं इस कनेक्शन को, आप दोनों एडमायर करते हैं इस कनेक्शन को। येस, दिस इज़ राइट, कन्फर्मेशन भी हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे डीएफ ऐसे हैं जिनके डीएम को ये चीज़ें पता हैं कि आपका और उनका कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन है, कोई ऐसी दैवीय शक्तियाँ हैं जो आप दोनों को गाइड कर रही हैं। साथ ही साथ बीच का रास्ता निकालकर पीसफुल रिजोल्यूशंस यहाँ पर काफ़ी लोगों के बीच में हो चुका है। तो डीएफ की एनर्जी, ज़्यादातर डीएफ की एनर्जी काफ़ी बैलेंस रहेगी। कुछ डीएफ ऐसी हैं जिनको अभी तक उनका कर्मा हील नहीं हुआ है, रिलीज़ नहीं हुआ है। तो आपके कोई पास्ट लाइफ के बैगेजेस हैं जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं। इस लाइफ में जो कर्मा अभी तक हील नहीं हुआ है उनसे आपको धोखा मिलना, ट्रिगर मिलना, इस तरह की वाइब्रेशन है। प्लस न्यू मून का एक और इफेक्ट है यहाँ पर, पैशन कुंडलिनी जागृत होते नज़र आ रहे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन में आपको एनर्जी का फ्लो फील होगा। आपके मनी ब्लॉकेजेस, आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं सातों चक्रों में से, उनमें से आपको एनर्जी का फ्लो फील होगा कि आपका कौन सा ब्लॉकेज था जो हील हो रहा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको पिक होगी। साथ ही साथ आप पैशन बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं अपने पर्सन के लिए। इस रिलेशन में आपको ऐसा फील हो सकता है कि दे आर विद यू, वो आपके साथ हैं, वो आपको फील कर पा रहे हैं, आप उन्हें फील कर पा रहे हैं, या वो आपको कोई मैसेज दे रहे हैं जो आप बकायदे सुन पा रहे हैं। तो इस तरह की टेलीपैथी, इंटेंस टेलीपैथी, यहाँ पर एनर्जी आप पिक कर सकते हो। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में है डिवाइन मैस्कुलिन्स। टेन ऑफ कप्स, हैंग्डमैन, एम्प्रेस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वांड्स, Six of Swords, Six of Pentacles, The World, Hermit, Nine of Cups, Bottom of the deck we have Knight of Swords।
तो डीएम की एनर्जी कैसी चल रही है? न्यू मून का इफेक्ट किस तरीके का होगा आपके डीएम की एनर्जी पे? पहला तो आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी से रिलीज हो चुके हैं, अगर वो कार्मिक सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, तो आपके डीएम कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग वी हैव 99 विद कंप्लीशन। इनकी कार्मिक साइकिल हील हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है, और अब ये कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। चीज़ें बैलेंस में हैं, कंट्रोल में हैं। कुछ लोगों की डीएम की एनर्जी में अभी स्टिल ये किसी कार्मिक सिचुएशंस में हैंग्ड हैं, अटके हुए हैं, और ये उन सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में बहुत टाइम से, बट इन्हें अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि ये सिचुएशन बैलेंस होगी नहीं। ये इनका बैगेज है जो इन्हें आज नहीं तो कल रिलीज़ करना है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर इनकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन होते हुए नज़र आ रही है। एनर्जी का फ्लो पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज़ आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैप्पी नहीं है, वो मूव ऑन करना चाहते हैं, इमोशनली उस एनर्जी से विड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए इमोशंस बहुत हाई होंगे, तो यहाँ पर अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन मैस्कुलिन एनर्जी को कैरी करते थे, तो आपको वो फैमिनिन एनर्जी में नज़र आएंगे। हो सकता है कि पोलैरिटी स्विच हो, बिकॉज़ आप मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करते हुए नज़र आओगे और वो फैमिनिन एनर्जी कैरी करते हुए नज़र आएंगे। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, लव, रोमांस, नर्चरिंग एनर्जी में आ सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत स्ट्रांग हो सकता है, बिकॉज़ वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ कप्स, ठीक है, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो क्विक एनर्जी है, जैसे आए और आपको तुरंत से मैनिपुलेट कर लिया, तुरंत से कन्विंस कर लिया। इवन कुछ डीएम तो ऐसे हैं जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि इन्हें एक को चूज़ करना है और दूसरे के साथ क्लियर करनी है सिचुएशंस कि भाई रहना है या मूव ऑन करना है। तो यहाँ पर ये एक सिचुएशंस को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं और दूसरी सिचुएशंस के साथ कंप्लीशन चाहते हैं। ये बहुत सोच समझ कर लिया हुआ फैसला है, इन्होंने आइसोलेशन में बहुत सोचा है और अब ये एक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। तो बहुत जल्द आपको एक डिसीजन आपके डीएम की तरफ से मिलने वाला है, उनकी तरफ से क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिश्ते को लेकर। साथ ही साथ कुछ डीएम ऐसे हैं जो फाइनेंशियली भी किसी तरह के बर्डन में हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में उनके जो कर्मा थे पास्ट लाइफ के, या कार्मिक पार्टनर के वजह से उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, ठीक है, और बहुत ऑब्स्टिकल्स झेलने के बाद अभी भी वो उस सिचुएशन से उबर नहीं पाए हैं। ही और शी विल टेक सम टाइम अपने आप को बैलेंस करने में। देखते हैं आपके डीएम अगर नो कांटेक्ट में हैं तो कॉल मैसेज कब तक आपको रिसीव हो सकता है। आपके डीएम की तरफ से कॉल मैसेज कब तक रिसीव हो सकता है? वन नंबर है, इस रीडिंग को देखने के बाद 1 आवर, 1 डे या 24 आवर्स से लेके 7 डेज के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। मिनिमम 1 वीक, ठीक है, 1 वीक तक ये एनर्जी आपकी रेजोनेट कर सकती है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, टाइमलेस रीडिंग है। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।